जंग के नवे दिन, चार जो मेजर शहर हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें चर्निहीव, बोर्डियांका, मारियोपोल और हाटने, वो अहम शहर, और साथ ही ज़ेपोरिज़्या, जहां पर 6 रिएक्टर्स में आग लगने की खबर है। और ये दरअसल तबाही की वो तस्वीरें जो बयां करती हैं कि आखिरकार ये युद्ध कहां जाकर थमेगा, कहां पर इस पर विराम लगने वाला है, क्योंकि लगातार बातचीत के बीच भी जंग थमती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दो दौर की वार्ता हो चुकी है जो कि बेनतीजा रही है। अब ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि पुतिन खुद मुझसे बात कर सकते हैं, कोई ऐसा बातचीत में बीच में अवरोध नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी पुतिन और ज़ेलेंस्की की सीधे तौर पर वार्ता नहीं हुई है। दो दौर की जो वार्ता हुई थी वो रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच हुई थी, और आपको बता दें कि ये नवे दिन जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उनसे हमला किया जा रहा है। जाहिर तौर पर ये सिलसिलेवार तरीके से हमलों का दौर जारी है। हाटने में तबाही का मंजर आप देख सकते हैं, धुएं का ये काला गुबार कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है, और वहां पर इस वक्त सायरन की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। ये सायरन दरअसल उन फायर सर्विसेज और उन एम्बुलेंसेज का है जो इस वक्त इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द भी दिखाई दे जाती है। आग के लपटों से पूरा ये शहर अब घिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि रूस के लगातार हमलों के कारण ये आग लगी है और गोलीबारी के कारण आग बुझाने में दिक्कत हो रही है। और ये यूक्रेनियन फोर्सेस का दावा कि उन्होंने रशियन टैंक्स को तबाह किया है, और ये दरअसल दावा पिछले दो दिन से किया जा रहा है कि रूस को भी हमने नुकसान पहुंचाया है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ से नुकसान की खबरें आ रही हैं, और यूक्रेनी सेना हो या फिर रूस की सेना हो, दोनों सेना की ओर से ये दावा कि हमने उनके बख्तरबंद टैंक हो, उनकी जो सेना है उस पर वार किया है, जिससे कई रूसी सैनिक मारे गए हैं। और रूसी हमले के बीच यूक्रेन का भी ये दावा है कि नवे दिन हमने भी क्षति पहुंचाई है।